हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आई लव यू विल बी गुड। दिस इज़ जागृति। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स लिम्ब सर्कुलेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ये हमने एक डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू हम समझेंगे लिम्ब सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जो है वो लिम्ब कैसे सर्कुलेट करता है थ्रू ऑफ द बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जो होता है वो कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, तो ये ब्लड जो है वो कैपिलरीज, जो बीच में ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के थ्रू पास होगा। ठीक है, तब कैपिलरीज के थ्रू जब पास आउट हो रहा है, तब क्या होगा फ्रेंड्स कि ये कुछ जो फ्लूड है वो जो इसके ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग, ये जो टिश्यूज़ हैं ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग, ये जो टिश्यूज़ हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस है, ये आप देख रहे हैं स्पेस जो डॉट डॉट से बने हुए हैं, तो मींस ये स्पेस, तो ये टिश्यू स्पेस कहलाता है। तो जब ब्लड जो है, जब ब्लड टिश्यू ब्लड वेसल्स के थ्रू पास आउट हो रहा है इधर से, तब ये बीच में जो कैपिलरीज हैं, तो यहाँ से ब्लड जो है वो कुछ ब्लड जो होता है या कुछ जो फ्लूड होता है वो इधर इस स्पेस में चला जाता है, जिसे हम टिश्यू स्पेस बोलते हैं। तो इस स्पेस में चला जाता है, फिर क्या होता है, इस फ्लूड को क्या बोलते हैं, इस फ्लूड, जब ये फ्लूड इधर चला जाता है इस स्पेस में, इस फ्लूड को बोलते हैं फ्रेंड्स लिम्फ। इस फ्लूड को क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो इस ये जो फ्लूड है लिम्फ में जाकर, ये जो फ्लूड है ये टिश्यू स्पेस में जाकर के कहाँ जाता है? कैपिलरीज में। ये कैपिलरीज होती हैं, या लिम्फैटिक कैपिलरी बोलते हैं। तो ये कैपिलरीज में फ्लूड जाता है यहाँ पे, और फिर कैपिलरीज के थ्रू कहाँ चला जाता है? लिम्फैटिक डक्ट में। फिर कहाँ जाता है? लिम्फैटिक डक्ट में। अब फ्रेंड्स, ये लिम्फैटिक डक्ट में जब फ्लूड गया है, यहाँ पे लिम्फैटिक डक्ट में ये होता है लिम्फ नोड। लिम्फैटिक डक्ट में फ्रेंड क्या होता है? लिम्फ नोड। और ये लिम्फ नोड जो होती हैं फ्रेंड्स क्या वर्क करती हैं? ये लिम्फ नोड जो होती हैं, जो भी लिम्फ में जो बैक्टीरिया वायरस या जो हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनके लिए क्या करता है? उनको फिल्टर कर देता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया वायरस, तो लिम्फ जब जाता है लिम्फ नोड में, तो उनको फिल्टर कर देता है लिम्फ को। लिम्फ जो होता है प्योर हो जाता है, फिर वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये हमने देखा कुछ, क्या नाम, सर्कुलेशन ऑफ द लिम्फ। अब हम फ्रेंड्स ये देख लेते हैं आगे, इसके थ्रू एक बार समझ लेते हैं। तो क्या है कि ये है हमारा आर्टरी। तो आर्टरी में कैसा ब्लड जाता है? आर्टरी में हम जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आर्टरी के थ्रू जाता है। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आर्टरी के थ्रू जा रहा है, तो ये कैपिलरीज, ये बीच में कैपिलरीज हैं, तो कैपिलरीज में ब्लड जाता है। अब कैपिलरीज के थ्रू ये ब्लड वेसल्स है ना, ये ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ये क्या है, ये छोटे छोटे जो है टिश्यूज़ हैं, है ना। तो टिश्यूज़ के बीच जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू स्पेस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टिश्यू स्पेस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लिम्फ जाता है। तो लिम्फ जब कैपिलरीज के थ्रू, ये कैपिलरीज डिवाइडेड हो गई हैं, ब्लड वेसल आई और ये कैपिलरीज छोटी छोटी जो हैं ये कैपिलरीज बोली जाती है। तो ब्लड वेसल ही डिवाइड हुई कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज के थ्रू फ्लूड जो होता है वो लिम्फ नोड में जाता है। कहाँ जाता है? लिम्फ नोड में। तो लिम्फ नोड ये है, जब लिम्फ जो होता है लिम्फ नोड में गया, तो कहा ये यहाँ पर लिम्फ नोड में क्या होता है कि फिल्ट्रेशन होता है लिम्फ का, मतलब कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ये फिल्टर कर देता है। फिर जब हमारा लिम्फ जो है वो फिल्टर हो जाता है, यानी कि ये लिम्फ नोड में फिल्टर जब हो जाता है, तब कहाँ जाता है? तब लिम्फैटिक ट्रक्ट में जाता है। तब कहाँ जाता है? लिम्फैटिक ट्रक्ट में। एंड इसे हम लिम्फैटिक डक्ट भी बोल सकते हैं। तो लिम्फैटिक ट्रंक में जा कर के फिर वेन के द्वारा फिर से हार्ट में जो है चला जाता है, और फिर हार्ट से वही प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाता है।
तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये कुछ हमने समझा लिम्फ का सर्कुलेशन, पहले आर्टरी में क्या, फिर आर्टरी जो है ब्लड वेसल्स जो हैं कैपिलरीज में डिवाइडेड हुई, अब कैपिलरीज के थ्रू फ्रेंड्स ये जो है लिम्फ नोड में गया, अब लिम्फ नोड के थ्रू जो है लिम्फैटिक डक्ट में गया, लिम्फ नोड में फिल्ट्रेशन हो गया, फिर लिम्फैटिक ट्रंक में गया एंड फिर वेन के द्वारा हार्ट में चला गया, फिर हार्ट से जो है फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आर्टरी में गया, फिर पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कुछ लिम्फ सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ। अब हम फ्रेंड्स इसका पैथ पे देख लेते हैं कि पैथ क्या है इसका। तो पहले जो होता है वो ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड होता है। फिर ये इंटरस्टिशियल स्पेस, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे जाता है ना। तो फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या बोलते हैं टिश्यू स्पेस, तो वहाँ पे जाता है। फिर लिम्फैटिक कैपिलरीज जो ब्लड वेसल्स जो कैपिलरीज में डिवाइडेड हो जाती हैं, तो लिम्फैटिक जो लिम्फैटिक वेसल्स होती हैं वो भी कैपिलरीज में डिवाइडेड होती हैं, तो जो लिम्फ है वो लिम्फैटिक कैपिलरीज में जाता है। अब लिम्फैटिक कैपिलरीज के बाद नाउ लिम्फ इज गोज टू लिम्फैटिक वेसल्स, फिर जो है लिम्फ जो है वो लिम्फैटिक वेसल्स में जाता है, फिर लिम्फैटिक वेसल्स के द्वारा के बाद ये लिम्फ नोड में जाता है, फिर उसके बाद लिम्फ नोड में क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है हमारे लिम्फ का, और फिर लिम्फ नोड के बाद लिम्फ वेसल्स में जाता है एंड लिम्फ वेसल्स के बाद जाने के बाद डक्ट में चला जाता है। लिम्फ डक्ट में लिम्फ जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है और फिर उसके बाद जो है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है लिम्फ डक्ट से कहाँ जाता है जो लिम्फ, ये जंक्शन ऑफ द इंटरस्टिशियल जंगुलर एंड सर्कुलेटरी वेन, फिर क्या होता है, फिर वेन में चला जाता है एंड वेन के थ्रू फिर हार्ट में, और फिर पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा हुआ लिम्फ का पैथवे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो जो है कुछ हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हेल्पफुल रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स।